देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब बोला क्या गया है, एंगल ए इसमें 58 डिग्रीज है, मतलब ये अपना 58 डिग्रीज है। और बोला गया है आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, देन द मेजर ऑफ बी आई सी। हम यहाँ पे एक आई ड्रॉ कर लेते हैं, ये इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब ये ऐसा ज्वाइन होगा इससे ये। अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करने को बोला गया है, बी आई सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर मतलब एक होता है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर मतलब ये होता है अपना जो ट्रायंगल है वो एक सर्कल के अंदर बना है और उसके सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर मतलब हमारा ट्रायंगल है और उसके अंदर एक सर्कल बना है और उस सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपको एंगल बी आई सी निकालना है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको एंगल बी आई सी निकालना है तो आप वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो अपना 90 प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब जो भी आप जहाँ का भी इन सेंटर निकाल रहे हो उसके ऊपर की जो वर्टेस है वो जो एंगल गिवन है उसको आधा करके ऐड कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए। अगर मेरे को ऐसा निकालना होता ए आई सी होता तो मैं कैसे निकालता, ए आई सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, मतलब ए आई सी के ऊपर ये हो जाता है एंगल बी ऐसे, तो 90 तो यही हो गया, प्लस एंगल ए का आधा मतलब 58 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 119, मतलब ये इसका आंसर हो गया।